नेशन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं सारिका। अलार्म हमारा वो खास कार्यक्रम जिसमें हम आपको आगाह करते हैं आपके आसपास मौजूद खतरों से, क्योंकि खतरा कहीं भी आ सकता है। और अलार्म में आज हम बात करेंगे सड़क पर मौत के टीले की। वैसे तो आम बोलचाल की भाषा में स्पीड ब्रेकर इसे कहा जाता है, लेकिन मौत का टीला हम क्यों कह रहे हैं? दरअसल ये काफी खतरनाक है। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि देश में हर रोज करीब 10 लोग इसी स्पीड ब्रेकर की वजह से जान गंवाते हैं और हर साल करीब 3,500 स्पीड ब्रेकर के शिकार हो जाते हैं। रोड पर निकलने से पहले सावधान, सड़क पर चलने से पहले होशियार। देश में शहर शहर सड़क सड़क पर बिछी है मौत। हर शहर में सड़कों पर है मौत का टीला। उसकी हाइट 8-10 इंच होती है। मौत का वो टीला काले रंग का होता है। वो हर शहर में रोड के बीच चुपचाप खड़ा नजर आता है, लेकिन वो बहुत खतरनाक है। जब मुसाफिर उसके पास से गुजरते हैं तो वो किसी को भी घायल कर देता है, तो किसी को मार भी डालता है। हर साल देश में करीब 3,500 लोग मौत के उस टीले की भेंट चढ़ जाते हैं। हम बात करें स्पीड ब्रेकर की। जी हाँ, वही स्पीड ब्रेकर जिसे आप रोज अपने शहर, कस्बे या गांव की सड़कों पर देखते होंगे। ठोकर दे दिए है, उसके ऊपर पट्टा उट्टा कुछ नहीं रहता है, पता ही नहीं चलता है इसके इधर बीच में ठोकर दिया हुआ है, खाली ऊंचा करके छोड़ दिए। वही स्पीड ब्रेकर जिसे आप हर रोज सुबह ऑफिस जाते वक्त गुजरते होंगे। वही स्पीड ब्रेकर जिसे पार करने में आपको हिचकोले खाने पड़ते होंगे। वही स्पीड ब्रेकर जिससे गुजरने में आपकी गाड़ी का संतुलन बिगड़ने लगता होगा। देखिए, जो स्पीड ब्रेकर्स हैं ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसका जो इस्तेमाल है हमारे देश में या आसपास जो, वो बहुत ही गलत तरीके से हो रहा है। लेकिन अगर आपके मन में ये सवाल उठा हो कि जिस स्पीड ब्रेकर को आप रोज देखते और झेलते हैं उसे हम मौत का टीला क्यों कह रहे हैं, तो सुनिए। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक खराब तरीके से बनाए गए स्पीड ब्रेकर देश में सड़क हादसों की बड़ी वजह बन चुके हैं। जहां तहां लोग अपने हिसाब से खुद ही बना लेते हैं, उन्हें लगा कि मेरे घर के आगे ट्रैफिक बहुत तेज जाता है तो उन्होंने अपने हिसाब से बना दिया, तो वो जो स्पीड ब्रेकर बना वो एज पर नॉर्म भी नहीं बना, एज पर जो स्टैंडर्ड गाइडलाइन है नहीं बना, उससे गाड़ियों को भी नुकसान होता है और गाड़ी चलाने वाले को भी नुकसान होता है, उसकी वजह से भी एक्सीडेंट हो सकते हैं। नियमों की परवाह किए बगैर बेढंग तरीके से बनाए गए स्पीड ब्रेकर्स के चलते देश में हर साल तकरीबन 11,000 से ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं और इनमें से करीब 3,500 लोगों की मौत हो जाती है। घायलों की तादाद तो और भी कहीं ज्यादा है। ये खतरनाक स्पीड ब्रेकर्स परिवारों को अनाथ तक कर देते हैं। ये खतरनाक स्पीड ब्रेकर सुहागिनों की मांग सूनी कर देते हैं और मासूम बच्चों के सिर से उनके माता पिता का साया छीन लेते हैं। आज अलार्म में हम आपको इन्हीं मौत के टीलों के खतरे से आगाह करेंगे। हमारे संवाददाताओं ने दिल्ली से मुंबई तक और पटना से लखनऊ तक स्पीड ब्रेकर्स का रियलिटी चेक किया। हमारे रिपोर्टर्स ने सड़क पर स्पीड ब्रेकर्स की ऊंचाई मापी और ये पता लगाने की कोशिश की है कि क्या वो तय मानकों के मुताबिक ही बनाए गए। आज अलार्म में हम आपको ये सब दिखाएंगे। इसके अलावा हम आपको रोड सेफ्टी एक्सपर्ट की जुबानी ये भी बताएंगे कि आखिर एक स्टैंडर्ड स्पीड ब्रेकर किस तरह का होना चाहिए। जो साइज है बड़ा डिफाइंड है। स्पीड ब्रेकर का मतलब स्पीड को ब्रेक करना, स्पीड को जीरो नहीं करना। हम आपको ये भी समझाने की कोशिश करेंगे कि स्पीड ब्रेकर की वजह से होने वाले हादसों से आप कैसे बच सकते हैं। तो आइए हम और आप मिलकर मौत के इन टीलों के खिलाफ अलार्म बजाते हैं और देश को जगाते हैं। टीम न्यूज नेशन। स्पीड को कंट्रोल करने के लिए जो स्पीड ब्रेकर बने हैं वो जानलेवा क्यों बन जाते हैं? स्पीड ब्रेकर की वजह से हादसे क्यों होते हैं? हमने इसके जवाब तलाशने की कोशिश की। दौड़ती भागती जिंदगी, कभी नहीं सोने वाले शहर, तेज रफ्तार से सड़कों पर दौड़ती गाड़ियां। जैसे जैसे देश तरक्की करता जा रहा है, जिंदगी की स्पीड भी बढ़ती जा रही है। प्रगति के साथ गति भी लाजमी है, लेकिन जैसे गाड़ी की स्पीड को नियंत्रित करने के लिए ब्रेक लगाए जाते हैं, उसी तरह सड़कों पर स्पीड ब्रेकर बनाए जाते हैं।
स्पीड ब्रेकर का मकसद होता है जहां हादसे की आशंका हो वहां सड़क से गुजरने वाली गाड़ियों की गति को काबू में रखना। सामान्य रूप से स्पीड ब्रेकर इस तरह बनाए जाते हैं कि तेज रफ्तार गाड़ियों की स्पीड को घटाकर 20 से लेकर 30 किलोमीटर प्रति घंटे के रेंज में लाया जा सके, लेकिन स्पीड ब्रेकर कहीं भी और किसी भी तरह बनाए नहीं जा सकते। इसके लिए IRC यानी इंडियन रोड कांग्रेस के नियम हैं, उन्हीं के मुताबिक स्पीड ब्रेकर बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस और दूसरी सरकारी एजेंसियों की इजाज़त लेना भी ज़रूरी होता है। लेकिन क्या देश में स्पीड ब्रेकर नियमों और कायदों के मुताबिक बनाए जा रहे हैं? न्यूज नेशन की टीम ने इसका रियलिटी चेक किया। सबसे पहले न्यूज नेशन संवाददाता ने देश की राजधानी दिल्ली में बने स्पीड ब्रेकर्स का जायजा लिया। देखिए, दिल्ली के लुटियंस जोन में लोधी रोड पर स्पीड ब्रेकर बनाया गया है। इस स्पीड ब्रेकर पर आते ही गाड़ियों की रफ्तार थम सी जाती है। हम लोधी रोड पे आ चुके हैं और लोधी रोड पे आपको इस तरह के स्पीड ब्रेकर्स भी दिखाई देंगे। अलग अलग तरीके के स्पीड ब्रेकर्स होते हैं, उनके नॉर्म्स भी अलग अलग होते हैं। रियलिटी चेक के दौरान न्यूज नेशन संवाददाता के साथ रोड सेफ्टी एक्सपर्ट भी मौजूद थी। उन्होंने जब इस स्पीड ब्रेकर का मुआयना किया तो एक बड़ी खामी नजर आई। चीज अगर हम लोग इस एरिया को देखें तो यहाँ पर आपको एक भी साइन बोर्ड नजर नहीं आएगा जहाँ पर स्पीड को स्लो करने के लिए कहा जा रहा है, जो कि पहले ही होना चाहिए। स्पीड ब्रेकर अगर किसी कट या मोड़ के बिल्कुल नजदीक बनाया गया है तो वहाँ टर्न लेने वाली गाड़ियों को इससे दिक्कत हो सकती है। देख सकते हैं, ये एक चौराहा है और चौराहे से अगर कोई गाड़ी लेफ्ट होकर के या राइट होकर के इस स्लोप पे आती है, इस रोड पे आती है, तो अचानक वो इस ब्रेकर पे पहुंचेगी, जिससे पीछे वाले जो गाड़ी चला रहे हैं उसको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हमने अपनी तहकीकात के दौरान महसूस किया कि दिल्ली की एक मुख्य सड़क पर बने इस स्पीड ब्रेकर की वजह से गाड़ी चलाने वालों, खासतौर पर बाइकर्स के लिए ड्राइविंग आसान नहीं रह जाती। आप ये बताइए कि कितनी परेशानी हुई अभी? परेशानी सर, ये 6-6 ब्रेकर बना रखे छोटे छोटे, इससे बढ़िया एक ब्रेकर बना दिया जाए सही से, तो उससे क्या होता है गाड़ी सही चलेगी एकदम, कोई दिक्कत नहीं होगी, हमसे भी कंट्रोल हो जाएगी। आप ये जानकर शायद चौंक जाएंगे कि एक अनुमान के मुताबिक देश की राजधानी में सिर्फ 5% स्पीड ब्रेकर ही नियमों के मुताबिक बनाए गए हैं। अभी एक रिपोर्ट भी थी जिसमें 5% ही स्पीड ब्रेकर्स हैं जो कि सही बने हुए हैं, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नंबर ऑफ फैटेलिटीज जो हैं स्पीड ब्रेकर्स की वजह से या रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से वो बढ़ती ही चली जाएंगी। दिल्ली में बड़ी तादाद में ऐसे स्पीड ब्रेकर हैं जो नियमों को ताक पर रखकर बनाए गए हैं, लेकिन BBIP इलाके संसद मार्ग पर हमें एक ऐसा स्पीड ब्रेकर भी मिला जिसे एक रोल मॉडल कहा जा सकता है। एक मॉडल के तौर पर इसको बनाया गया है। आप ये स्पीड ब्रेकर देख सकते हैं जिसकी ऊंचाई जो है वो करीब 10 सेंटीमीटर है और जो चौड़ाई होती है एक स्पीड ब्रेकर की नॉर्मली वो करीब 3.7 मीटर की होनी चाहिए और उसके आधार पर मार्किंग भी होनी चाहिए। आप वाइट मार्कर जो देख रहे होंगे वो उसको मार्क किया गया है कि यहाँ पर एक स्पीड ब्रेकर है। वहीं पास में एक और स्पीड ब्रेकर बनाया जा रहा था। हमारे संवाददाता और रोड सेफ्टी एक्सपर्ट ने उसकी ऊंचाई नापने की कोशिश की। मार्किंग अगर हम देखने की कोशिश करें तो आप देखेंगे कि नया स्पीड ब्रेकर तैयार हो रहा है यहाँ पे और जो मार्किंग है, जो ऊंचाई है वो यहाँ से नापी जा सकती है। ये वो स्लोब है जो थोड़ा सा ऊपर रखा जाता है यहाँ से, तो ये इस हिसाब से इसको कैसे मेजर करेंगे? इसी की चौड़ाई जो बताई जा रही है, इसी की जो ऊंचाई है वो स्पीड ब्रेकर की वो 0.1 मीटर के हिसाब से होनी चाहिए। दिल्ली के बाद न्यूज नेशन संवाददाता ने नोएडा का रुख किया। नोएडा में कई ऐसे स्पीड ब्रेकर नजर आए जिनकी ऊंचाई गाड़ियों की ग्राउंड क्लियरेंस के हिसाब से ठीक नहीं थी। अमूमन जो ग्राउंड क्लियरेंस होता है गाड़ियों का, वो ग्राउंड क्लियरेंस करीब 160 mm होता है, SUV गाड़ियों का करीब 210 mm होता है और उसी आधार पर जो ये स्पीड ब्रेकर की जो ऊंचाई है वो रखी जाती है। इसकी ऊंचाई मैक्सिमम 100 mm होनी चाहिए। अगर स्पीड ब्रेकर की बनावट गाड़ियों की ग्राउंड क्लियरेंस के अनुपात में नहीं होती है तो इससे गाड़ियों का निचला हिस्सा स्पीड ब्रेकर में टकरा सकता है, पेट्रोल टैंक फट सकता है और जानलेवा हादसे हो सकते हैं। तो अगर आपने वैसे किया हुआ 8-8, 10-10 इंच वाला तो फिर वो आपके चेसी के कई बार पीछे नीचे से लगता है, वो तो बहुत डैमेज भी कर सकता है, गाड़ी को भी डैमेज कर सकता है। थोड़ी सी स्पीड पे भी हुई तो वो लग जाएगा, उसे पेट्रोल जो टैंक है वो टूट सकता है, उसे आग लग सकती है, उससे कई एक्सीडेंट हो सकते हैं। और पेट्रोल लीक हुआ होगा तो उसके ऊपर और गाड़ियाँ आके स्लिप होंगी। तो याद रहे कि स्पीड ब्रेकर गति पर ब्रेक लगाने के लिए बनाए जाते हैं,
लेकिन अगर इसमें लापरवाही या मनमर्जी बरती गई तो ये जिंदगी पर भी ब्रेक लगा सकते हैं। सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली। इस लापरवाही के हमने पड़ताल करने की कोशिश की और हमने ये जानने की कोशिश की कि ये स्पीड ब्रेकर आखिरकार जानलेवा क्यों बन जाते हैं। देश के कुछ और बड़े शहरों का हम आपको हाल बताते हैं, जहां हमने रियलिटी चेक किया। नोएडा से लेकर लखनऊ और लखनऊ से लेकर भोपाल तक तमाम ऐसी सड़कें हमें इस रियलिटी चेक के दौरान मिली जहां स्पीड ब्रेकर्स को बनाने में नियमों की अनदेखी की गई। क्या आप सुबह ऑफिस निकलने से पहले ट्रैफिक का हाल जानने की कोशिश करते हैं? क्या आप ट्रैफिक जैम से बचने के लिए ऐसा रूट चुनते हैं जिसमें आवाजाही आसान हो? लेकिन कभी आपने सोचा है कि स्पीड ब्रेकर भी आपके सफर को कितना मुश्किल बनाते हैं? पहले ग्राफिक्स और मैप के जरिए इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। यह है नोएडा के सेक्टर 37 में आम्रपाली रोड का मैप। देखिए, इस मैप में रोड पर स्पीड ब्रेकर कहीं नजर नहीं आ रहा, यानी अगर आप इस मैप को देखकर ट्रेवल करें तो आपको यहाँ स्पीड ब्रेकर का अंदाज नहीं लगेगा, लेकिन जब आप वाकई इस सड़क से गुजरेंगे तो आपको यहाँ एक बड़ा स्पीड ब्रेकर मिलेगा। नोएडा में कई जगह इस तरह के स्पीड ब्रेकर्स बनाए गए हैं जिनमें मानकों को ताक पर रख दिया गया है, यानी कि स्पीड ब्रेकर्स की साइज कितनी होनी चाहिए, मटेरियल क्या होना चाहिए, क्वालिटी क्या होनी चाहिए, इन किसी भी चीज़ को गौर नहीं किया जाता। जैसे कि अगर मैं आपको ये गाड़ी ही दिखा दूँ, आप देखिए जिस तरह से गाड़ियाँ इस तरह के स्पीड ब्रेकर्स पर चलती हैं तो पूरी की पूरी फ्लक्चुएट हो जाती है। नियमों की अनदेखी करके बनाए गए स्पीड ब्रेकर्स की कहानी सिर्फ दिल्ली या नोएडा तक सीमित नहीं है, लखनऊ में भी कुछ ऐसे ही हाल हैं। नेशनल हाईवे पर दुर्घटनाओं के बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन अगर शहरी क्षेत्रों की बात करें, शहरी सड़कों की बात करें, तो यहाँ एक सबसे बड़ा कारण वो स्पीड ब्रेकर भी होते हैं जो सड़कों के बीच में बने होते हैं। देख सकते हैं कि गाड़ियाँ आती हैं तेज स्पीड में और उसके बाद इस ब्रेकर पर ब्रेक मारते हैं और ब्रेक मारने के बाद जो पीछे की गाड़ी है उसमें आगे ठुक जाती है। ब्रेकर सर, ब्रेकर ही सबसे ज़्यादा कष्ट देता है। जैसे आप लोग गाड़ी निकाल रहे हैं, कार जा रही है, तो अगर जैसे पीछे ब्रेक मारते हैं तो कार वाले पहले ब्रेक मारते हैं तो हम लोग की गाड़ी पीछे लड़ती है। अगर रोडों पे लाइट है तो ब्रेकर भी ठीक है अपनी जगह, अगर इन केस अगर रोडों पे लाइट नहीं है तो आने जाने वालों को नाइट में बहुत प्रॉब्लम होती है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की सड़कों पर भी स्पीड ब्रेकर लोगों को सहूलियत कम और तकलीफ ज़्यादा दे रहे हैं। लेकिन अगर हम भोपाल शहर की बात करें तो ज़रा तस्वीरों में आप देखिए कि यहाँ स्पीड ब्रेकर बना हुआ है, लेकिन ब्रेकर के पहले किसी तरह का कहीं कोई साइन नहीं है, लिहाजा जो वाहन चालक ब्रेकर को देख लेता है वो तो भले ही अपनी गाड़ी की स्पीड को धीमा कर ले, लेकिन अधिकतर बार लोग इस ब्रेकर के बारे में जान नहीं पाते और गाड़ियों में अचानक ब्रेक लगाते हैं। इसके चलते कई बार पीछे के लोग टकरा जाते हैं तो टू व्हीलर जो हैं वो बैलेंस बिगड़ जाने के चलते उनके सवार गिर भी जाते हैं। इस तरह के ब्रेकर्स की कहानी भोपाल में एक नहीं है बल्कि कई ऐसी सड़कें हैं जहाँ बिना चेतावनी के या बिना संकेत के ब्रेकर बना दिए गए हैं जो लोगों को सहूलियत के बजाय तकलीफ ज्यादा देते हैं। देश में सड़क हादसों में करीब 1.5 लाख लोग मारे जाते हैं। हर रोज करीब 400 लोगों की मौत हादसों में होती है। इनमें एक बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो स्पीड ब्रेकर से जुड़े हादसों में जान गंवाते हैं। नोएडा से हर्षा चंदवानी और लखनऊ से विनीत दुबे के साथ नीरज श्रीवास्तव, न्यूज नेशन, भोपाल। तो दुनिया भर में जितनी मौतें सड़क हादसों में होती है उससे ज्यादा भारत में स्पीड ब्रेकर की वजह से होती है। भारत में हर रोज 30 सड़क दुर्घटनाएं स्पीड ब्रेकर के कारण होती हैं, जिनमें 10 लोगों की मौत हो जाती है। इसकी मुख्य वजह स्पीड ब्रेकरों के निर्माण में होने वाली लापरवाही है। अब सवाल है कि आखिर एक सही स्पीड ब्रेकर कैसा होना चाहिए। उन गाइडलाइंस के हिसाब से कोई भी स्पीड ब्रेकर 4 इंच से ऊपर नहीं हो सकता। और दूसरी चीज, स्पीड ब्रेकर जो है वो पॉइंट टू पॉइंट मतलब शोल्डर टू शोल्डर होना चाहिए, उसको बीच में कट नहीं करना है शोल्डर पे। अगर कट करेंगे तो वो पेडेस्ट्रियन की लाइफ के लिए धोखा हो जाता है, क्योंकि मोटरिस्ट अंदर घुस के वो स्पीड ब्रेकर को अवॉइड करके साइड से निकलने की कोशिश करते हैं। तीसरी चीज़ है कि स्पीड ब्रेकर को काला और सफ़ेद रंग का रंगा होना चाहिए, जो कि इल्यूमिनेटेड हो, मतलब रात में भी आसानी से दिखे। चौथी चीज़ ये है कि स्पीड ब्रेकर आने से पहले एक साइन बोर्ड होना चाहिए जो कि इस मोटरिस्ट को वॉर्न करे कि आगे स्पीड ब्रेकर है। ये 4 पॉइंट कोई भी स्पीड ब्रेकर में होनी चाहिए, ये पूरे देश के लिए लागू है। दूसरा सवाल है कि स्पीड ब्रेकर कहाँ होने चाहिए। जिन सड़कों हाईवेज हैं, जैसे हमारे एक्सप्रेसवेज हैं या मेन सड़कें हैं दिल्ली में, जैसे रिंग रोड है फॉर देट मैटर या हमारी बड़ी रोड है, उसके ऊपर स्पीड ब्रेकर रिकमेंड नहीं किया जाता। साथ में हम ये देख सकते हैं कि अगर कोई हॉस्पिटल है, कोई स्कूल है,
या ऐसा कोई रेजिडेंशियल एरिया है या ट्रैफिक एक्सीडेंट प्रोन एरिया है तो वहाँ पर लगा सकते हैं। एक अनुमान के मुताबिक 40% सड़क दुर्घटनाएं स्पीड ब्रेकरों के कारण हो रही हैं। अवैध तरीके से बनाए गए स्पीड ब्रेकर की वजह से गाड़ियों के एक्सल तक टूट जाते हैं। रेजिडेंशियल एरियाज में हमने देखा है कि लोग बस RWS मिलकर स्पीड ब्रेकर बना देते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि गाइडलाइंस हैं क्या, जिसकी वजह से सड़क हादसे बढ़ जाते हैं। लोगों को पता नहीं चलता, अचानक किसी भी चीज़ का सड़क पर आना वो किसी भी टू व्हीलर राइडर या फोर व्हीलर राइडर या इवन हैवी व्हीकल ड्राइवर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है उस चीज़ को संभालना। ज़रूरत इस बात की है कि स्पीड ब्रेकर को बनाने और मेंटेन करने वाली एजेंसियां इसे गंभीरता से लें। ट्रैफिक पुलिस अवैध तरीके से बनाए गए स्पीड ब्रेकर के खिलाफ कार्रवाई करे ताकि स्पीड ब्रेकर जिंदगी पर ब्रेक ना लगा सके। दिल्ली से रुमानुल्लाह खान के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ नेशन, मुंबई।